आपसे बातचीत करने वाला हूं एक सब्जेक्ट के ऊपर, वो है दिमाग का अधूरापन अपनी ताकत छीन लेता है। होता क्या है कि हमारे दिमाग में काफी सारे इनकम्प्लीशन रहती है, मतलब अधूरापन रहता है, और वो हमारी ताकत छीन लेती है। या दिमाग में काफी सारे मतलब गंदगी बैठी हुई है, या काफी सारा मतलब कंफ्यूजन है, मतलब क्लीन नहीं है दिमाग, विचार है, भावनाएं हैं, और वो साफ सुथरा नहीं है दिमाग, क्लीन नहीं, सफाई नहीं दिमाग, और उससे फिर ताकत हमारी छीन ली जाती है। तो वो कैसे होता आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है, मतलब उसके लिए क्या करना आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप ये देखो कि ये अधूरे काम कौन से वो आपने पूरे करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कौन से अधूरे काम, तो काफी सारे काम आपके अधूरे होते हैं, और जब वो काम आप पूरे करते हो तो आपका दिमाग काफी हल्का हो जाता है, काफी मतलब हल्कापन अपने दिमाग को लगता है। कौन से काम है, जैसे हमारे टैक्सेस पूरे भरे गए कि नहीं भरे, मतलब वो आरटीओ का टैक्स हो, अपने लाइसेंस क्लियर किए कि नहीं किए, इनकम टैक्स भरे कि नहीं, चालान भरे कि नहीं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, वैट है, मतलब जो भी आपके टैक्सेस है, फिर प्रोफेशनल टैक्स है, फिर लोकल बॉडी के लाइसेंसेस है, कॉर्पोरेशन के लाइसेंसेस है, या गवर्नमेंट के और कोई लाइसेंसेस है, वो रिन्यू किए कि नहीं किए, और टैक्सेस पूरे भरे कि नहीं भरे। समझो मेरे पास में रिवॉल्वर है तो उसका लाइसेंस, उसका रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ, तो जो भी हमारे जो भी लाइसेंस है वो रिन्यू, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी हमारा रिन्यू किया नहीं रहता कभी कभी, तो वो काम पूरा कंप्लीट है कि नहीं वो देखने का नंबर एक। फिर हमारा टेबल जो है ना, उसके ऊपर काफी सारे पेपर्स रहते हैं, काफी सारे फाइल्स रहती है, और ऐसा बोला जाता है कि आपका टेबल जो है वो बताता है कि आपके दिमाग में कितना पैक हुआ है, कितना विचार चल रहा है, मतलब जितना टेबल भरा हुआ उतना दिमाग भरा हुआ ऐसा रहता है। फिर ड्रावर्स टेबल के, उसमें कितने सारे फाइल है, कितने सारे कागज जो है वो फाइल किए नहीं है, काफी सारे पेपर पड़े हुए, काफी सारा मतलब ऐसा मटेरियल जो काम का भी नहीं है, पेन पड़े, रबर है, पेंसिल्स है, या फिर अलमारी जो है उसमें काफी सारी मतलब चीजें ऐसी है कि जो आपने काम में कभी लाई नहीं है। आप घर में देखेंगे तो घर में ऐसे होंगे अपने कंबोर्ड में ड्रेसेस जो आपने पिछले तीन तीन चार चार साल से पहने नहीं है, कोई चीजें ऐसी होंगी, कोई किताबें ऐसी होंगी जो आपने वापरी नहीं है, कोई चीजें जैसे कोई बर्तन है, या कोई ऐसी जो पुरानी वॉशिंग मशीन है, पुरानी मतलब जैसा प्रेस है, या जो भी कोई चीजें है, ओवन है, काफी सारी ऐसी चीजें रहती है। आपके बाथरूम में देखो कितने सारा मतलब गंदा मतलब पड़ा हुआ है जो आपने साफ नहीं किया होगा, तो आपके टॉयलेट देखो कि वो साफ नहीं किए होंगे, वहां कोई मतलब जैसे वहां के बोर्ड्स है या वहां का फ्लश है वो भी ठीक नहीं होगा। आपका गैरेज देखो कि गैरेज में जो है वो साफ सफाई की नहीं की। आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैसे उसके साथ में कार के साथ में जो कार के पेपर बराबर है कि नहीं, अपडेट है कि नहीं, कार का गैरेज जो है वो साफ सफाई किया कि नहीं किया। ऐसे हर बार में जो भी आपके पास में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी मतलब टेबल, ड्रॉवर्स, कबर्ड्स, अलमारी, जो भी चीजें है वो क्लीन है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है, और आप जब वो करते हैं ना तो आपको ऐसा रहेगा नहीं नहीं मेरा सारा दिमाग काफी मतलब हल्का हो गया, क्योंकि आप जब पुराना जो निकाल देते हैं ना, हम तो ऐसा बोलते हैं कि भाई यदि कोई चीज आपने पिछले तीन साल में उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा तो आप वो चीज डोनेट कर दो, दान दे दो, इसको तो भी दे दो, जो किताब हो या ड्रेस मटेरियल हो या कोई भी चीज होगी जो आपने वापरी नहीं उसको लोगों को दे दो, ताकि फिर क्या होगा जब पुराना देंगे तो नए के लिए जगह बन जाती। तो मैं ये जो एक्सरसाइज है हर छह महीने में एक बार कर लेता हूँ, जो जो मटेरियल है वो वापरा नहीं उसको निकाल लो, आपका दिमाग हल्का हो जाता है। अब ये हो गया आपका मतलब जो वस्तु है उसका, हाँ उसके साथ में और एक चीज भूल गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सभी, तो भाई उसके पैसे भरे कि नहीं भरे, अपना बैलेंसेस है कि नहीं है, उसके ऊपर कितना बैग लग रहा है, फिर बैंक का स्टेटमेंट, खामोखा कहीं पैसे पड़े रहते हैं सेविंग अकाउंट्स में अपने, तो वो हमको मालूम नहीं रहता कि वो पड़े हुए है और वो हमारे अकाउंट में लेते नहीं है, या कहीं बैंक का लोन है उसके ऊपर हमारे पास में पैसा रहते हुए भी हमने वो पैसा भरा नहीं है तो उसका बैग चढ़ते जा रहा है। ऐसे काफी सारी बातें जो है वो क्लीन करते हैं तो हमारा दिमाग भी काफी सारा क्लियर हो जाए। फिर दूसरी बात रहती है कि लोगों के साथ में जो इनकम्प्लीशन है उसके वजह से हमारे दिमाग में जो बाड़े कचरा है उसका क्या होता क्या है कि हमने किसका हमको हमने मतलब किसका इंसल्ट किया होगा, अपमान किया है, तो हमारे दिमाग में बहुत विचार चल हो जाता है।
वो भी उसके भी दिमाग में विचार चल रहे, हमारे दिमाग में विचार चल रहे थे, तो उसका इंसल्ट क्या हुआ यार, जिसको हमने कम्युनिकेट नहीं किया संवाद उसका उसके साथ में बराबर हमने किया नहीं, उसने भी रोक के रखा हुआ है संवाद, तो वो है या किसी को हमने प्रॉमिस दिया वचन दिया हुआ मैं काम करूंगा हमने काम किया नहीं, या लोगों के बारे में आपकी बहुत सारी शिकायत है और वो हमने क्लियर कट बोली नहीं लोगों को, ऐसी कोई शिकायत हो लोगों को आपको कुछ बोलने का आपने बोला नहीं, लोगों के दोष जो है आपको बोलने के था आपने बोले नहीं, लोगों को आपने प्रॉमिस किया था प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया पूरा नहीं किया है, या आपने कुछ तो भी संवाद जो है लोगों से रोक के रखा हुआ है, ऐसी कोई भी चीज हो तो हम बोलते हैं हरदम कि आपने यदि ये सब किया होगा तो आपके दिमाग में आपके ब्रेन में आपने बिना रेंट की बिना किराए की जगह वो व्यक्ति को दी हुई, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, उतनी आपकी उत्पादकता खत्म हो जाती है और फिर आप उतने कमजोर होते हैं काम करने, उनको पता नहीं कि हमारे देखो यदि मेरे कंधे के ऊपर यदि 20 किलो की कोई सूटकेस आके रख दे तो मैं समझ में आएगा इन्हें कोई बोझ हो रहा है सूटकेस का, ये हमारे दिमाग के ऊपर ऐसे कितने सारे बोझ अतीत के रखे हुए हमको दिखते भी नहीं है और हमको मालूम नहीं कि हमारे दिमाग के ऊपर कितने बोझ रखे हुए, फिर हम बोलते हैं कि नहीं शाम को पत्थर दे थकान आएंगे नहीं तो क्या होगा, क्योंकि दिमाग के ऊपर इतना बोझ है, ऑनेस्ट नहीं है अप्रामाणिकता है, वो देखो हमने किसके साथ में अप्रामाणिकता से काम किया, किसको फंसाया कहाँ टैक्स की चोरी की, किसको हमने प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस पेमेंट का पूरा नहीं किया, जो भी कुछ है तो अप्रामाणिकता से काम करना, ऐसा क्या हमने किया है कि हमने मतलब कौन सा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम मतलब वो मुझे छुपाना पड़ेगा और यदि वो खुल गया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मतलब पकड़े जाने का डर है मुझे, तो ऐसी कौन सी चीज है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो ऐसी सारी जो बातें है कि भाई पारदर्शकता नहीं रहना काम में धंधे पानी में लोगों के साथ में व्यवहार करने में पैसे का व्यवहार करने में मतलब वो चीजें तो ऐसी काफी सारी चीजें दिमाग में रहती है और उसका असर हमारे पूरे बदन के ऊपर रहता है, पीठ में दर्द सिर में दर्द पूरे बदन में दर्द रहेगा या फिर शाम को थक जाएंगे बोर लगेगा काम करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे इसमें हम मतलब बहुत ही लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, ताकत कम हो गई, फिर आपको नींद नहीं आती सुबह उठे तो फिर फ्रेश नहीं लगता, तो इसके लिए करना क्या है, करना ये कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी चीजें इनकम्प्लीट है जो भी क्लीन करना है वो क्लीन करना, जैसे आपके कपबोर्ड्स है सब टैक्सेस है लाइसेंसेस है जो भी रिन्यू करना हो सब पूरा क्लियर करना, आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, नंबर एक, फिर वो लोगों की लिस्ट बनाओ कि जिनको हमने वचन दिए थे पूरे नहीं किए, जिनका हमने इंसल्ट किया था माफी नहीं मांगी, हमारे दिमाग में काफी सारा था कि उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, उसने ऐसा करना नहीं चाहिए, मुझे वो मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा है व्यक्ति के बारे में, ऐसा लगता है कि उसको देखने के बाद में कि मैं उसको एक लगा लूंगी, मतलब इतना गुस्सा है, या उसने मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरे दिमाग में काफी सारे विचार रहे थे, अभी हमको फिर हम हरदम बोलते मैं हरदम बोलते रहता हूँ कि भाई ठीक है जो भी हुआ वो हुआ, जो अतीत में हुआ उसने आपका इंसल्ट किया उसने आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया आप उसको माफ कर दो, नहीं मैं उसको माफ कैसे करूं, मैं माफ नहीं कर सकता, मैंने ठीक है माफ मत करो अपने दिमाग में उसको जगह बना के रखने दो और फिर अपनी कमजोरी जो काम में आती है वहां आपको एनर्जेटिक में रखता लगने दो या फिर एक बार वो दिमाग में से निकाल रहा देखो अगर मैं उसको माफ नहीं कर सकता ऐसा लोगों को तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसने जो भी किया वो उसने करना नहीं चाहिए था, हमको ये देखना चाहिए कि उसके जूते में अपने पैर डाल के उसने ऐसा किया तो क्यों किया, उस समय उसकी मन की अवस्था क्या थी भावनाएं क्या थी परिस्थिति कैसी थी वातावरण कैसा था और उसने आपसे जो बर्ताव किया वो शायद आप भी वही कर देते वो सिचुएशन में रहते पता नहीं, तो जो भी उसने किया वो किया क्या मैं उसको माफ कर सकता हूँ, तो बेस्ट तरीका यह दिमाग में से पूरा बोझ उतारने का फिर लोगों को माफ करता लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब खुद को भी माफ करो और लोगों को भी माफ कर दो, मतलब माफी उनको माफ कर दो लोगों को, नहीं ठीक है जो हुआ वो हुआ मैं माफ कर देता हूँ, मगर ऐसा लोगों को जाके बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप कभी किसी को जाके बोलेंगे मैंने तुमको माफ कर दिया तो और उल्टा आंख पे आएंगे कि मैंने किया ही क्या मैं तुमको माफ करा गया, तो जहाँ ऐसा झंझट वाला काम हो सकता है तो वहां अपने मन के मन में उसको माफ कर देना चाहिए ताकि फिर झंझट भी नहीं होंगी और अपने दिमाग में से भी निकल जाए, और जो मैंने इनकम्प्लीशन का कारण बताया वो है लोगों के बारे में शिकायतें करना, आप जब शिकायत करते हैं तो आपकी ताकत निकल जाती है,
सामने वाले ने सब करना कैसा आपको लगता है? तो मैं और भी वीडियो में इसका जिक्र करूंगा शिकायत के बारे में, मगर शिकायत करना बंद कर दो और खुद जवाबदारी लो। जब आप जवाबदारी लेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो आपको ताकत आएंगी, एनर्जी लगेगी और आपको लगेगा नहीं काम अच्छे होते जा रहे हैं। तो कभी भी अपने दिमाग के जो इनकम्प्लीशन है, एक तो उसको भूल जाओ, नंबर एक, किसी व्यक्ति के बारे में होगा तो भूल जाओ, छोड़ दो, माफ कर दो, या खुद जवाबदारी लो, माफी मांगो, जो भी करना चाहिए वो करो, और दिमाग में लोगों को बिठा के मत रखो। आप दिमाग में जितने लोगों को बिठा के रखेंगे उनके बारे में दिमाग में कीड़ा कांडी चालू रहेंगी, तो आप काम नहीं कर सकते। काम करना आपके लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी निकालना, अच्छी उत्पादन क्षमता निकालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए वो जरूरी है। और जानकारी हेतु आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप हमारे जो अलग अलग वीडियोज है यूट्यूब पे उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक का पेज भी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।